जनपद बुलंदशहर के विधायक पहुंचे कोविड हॉस्पिटल, जाना कोरोना मरीजों का हाल। बुलंदशहर में खुर्जा के जटिया कोविड अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए स्थानीय विधायक विजेंद्र सिंह लोधी अस्पताल के सीएमएस को साथ लेकर कोरोना मरीजों का हाल व व्यवस्था का हाल जानने पहुंचे, जहां कई मरीजों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया तो अधिकांश कोरोना पीड़ितों ने दवा व ऑक्सीजन गैर समय पर मिलने का दावा किया। इस दौरान सीएमएस ने यह दावा किया है कि दवा एवं ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और जरूरत के अनुसार मरीजों को दी जा रही है। अधिक डोज देने पर मरीज की हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है, इस कारण अधिक डोज नहीं दी जा रही है। साथ ही स्थानीय विधायक ने पर्याप्त मात्रा में दवा एवं ऑक्सीजन के साथ सभी कोरोना योद्धाओं से अच्छे व्यवहार की चेतावनी दी। मैं आज कोविड अस्पताल में गया था अंदर और पीपी किट पहन के गया था और वहाँ पर मुझे बाहर वो तीमारदार भी मिले थे, उसके जो जितने भी मरीज हैं वहाँ पर मैंने उनसे भी बात की थी। तो तीमारदार अब जर भागुकता में जैसे कहते थे, उनके रिश्तेदार भी हैं और माता हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के भाई है, कि व्यवस्था अंदर ठीक नहीं है, कोई एक आध लोग कहते थे, लेकिन अधिकतर उन्होंने वैसे व्यवस्था सही बताई वहाँ पर। तो पीपी किट पहन के मेरे संग वो आर सी वर्मा जी हैं, सी एम एस साहब, वो भी गए थे, हम दोनों गए थे। तो हमने जाकर मरीजों से सभी से बात करी तो हमारे वहाँ पर ऑक्सीजन की दवाई गोली की व्यवस्था हमको कहीं तक ठीक मिली। और एक दो मरीज उसमें थे वो बता रहे थे कि ऑक्सीजन हमारे को नहीं लग पाई है और हमको परेशानी हो रही है। तो मैंने सी एम एस से पूछा, मैंने कि इनके डॉक्टर साहब ऑक्सीजन क्यों नहीं लगी है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया सी एम एस साहब ने कि विधायक जी इसके हिसाब से दी जाएगी जितनी ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत है, अगर हम ज़्यादा देंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए कभी कभार हमको हटानी पड़ती है। लेकिन भी देखा मैंने कि तीमारदार अंदर सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं पहुँच रहे, केवल जो सफाई कर्मचारी हैं वो नहीं, वो डॉक्टर भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं जा रहे हैं डॉक्टर। जब सी एम एस मेरे साथ गए हैं आर सी वर्मा जी, तो डॉक्टर लोग भी जा रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं थी। किसी मरीज ने मुझे नहीं बताया कि वहाँ पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, हाँ तीमारदार घूमते दिखाई दिए थे, और भावुकता में तो चली ही जाती है। नहीं वो तो है, लेकिन भावुकता में डॉक्टरों पर भी तीमारदार नहीं रुकते हैं, क्योंकि किसी का माता है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी की सासू माँ है, किसी की अब ऐसे रिश्तेदार हैं तो अपने घर वाले हैं, तो इस वजह से जो रुकते नहीं है तीमारदार। अब डॉक्टर तो मना भी करते हैं, भाई नहीं आओ यहाँ पे, इनके पास आना ठीक नहीं है, संक्रमण और ज़्यादा फैलेगा, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, भावुकता में आ जाते हैं तो फिर वो भी मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर लोग। जनपद रामपुर में कोरोना काल में एक फैक्ट्री बनी लोगों के लिए मसीहा। हमारे देश में कोरोना महामारी भयावह स्थिति में पहुँचती जा रही है, जिसके चलते लोगों को अपनी सांसों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इन हालातों के मद्देनज़र दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं और उनके द्वारा यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई भेजी जा रही है। इसके बावजूद इसके लोगों की सांसों की दौर को टूटने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे खतरनाक हालात को देखते हुए अब स्थानीय स्तर पर उद्योग जगत की हस्तियों ने पीड़ितों की मदद के लिए अपनी ओर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब इस कड़ी में रामपुर की रेडिका खेतान ग्रुप की एक फैक्ट्री का नाम जुड़ने जा रहा है। फैक्ट्री प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को रामपुर सहित 5 जनपदों में ऑक्सीजन की सप्लाई दिए जाने की पेशकश की गई है। फैक्ट्री प्रशासन द्वारा बाकायदा इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद लोगों को मदद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फैक्ट्री में
लगाने या ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो बात कही, क्या है पूरी बात क्या है? देखिए, कोरोना की भयावह स्थिति है, हजारों लोग प्रतिदिन मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। इसी दिशा में प्रेरणा मिली माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। सरकार के अकेले बस का बात नहीं है, हम सब लोगों को आना होगा इस घड़ी में। इंडस्ट्रीज ने भी आगे बढ़कर काम किया है। रेडिको खेतान सर्वप्रथम सामाजिक कार्यों को पूरा करती है और हमने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में हम ऑक्सीजन जनरेटर का प्लांट लगाएंगे। उसके लिए हमने मशीनों का ऑर्डर कर दिया है। 30 से 35 दिन में हमें उम्मीद है वो मशीनें आ जाएंगी। जो सरकार का दिशा निर्देश होगा वहाँ पे हम लगा देंगे। इनिशियली 5 जिले चिन्हित किए, जिसमें रामपुर है, प्रयागराज है, महोबा है, चित्रकूट है और बांदा है। इसमें हम लोग गवर्नमेंट मशीनरी के साथ मिलकर जल्दी से अपने कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कंपनी का विचार उससे आया या सरकार का कोई आदेश आया? सरकार का आदेश नहीं, सरकार का एक ऐसा विचार आया। और जब विचार आया, क्यों न हम सब मिलकर इस संकट की घड़ी में सहयोग करें। और अपने अगर गवर्नमेंट के पास में सीमित साधन है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग भी आगे बढ़ के इस समाज सेवा के काम में जुट जाएं। कितने दिन में प्लांट पूरा करेंगे? 35 दिन में हमको उम्मीद है कि हमारा प्लांट मशीनरी 35 दिन में लग जाएगा। उससे पहले वहाँ के जो डिटेल वर्किंग होगी, हम लोग मशीन आते ही उसको खड़ा कर देंगे और 2 दिन में प्लांट चल जाएगा। जनपद वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीएचयू स्थित पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल पहुंचे सीएमएस योगी। अस्थायी कोविड अस्पताल का कर रहे हैं निरीक्षण। अस्पताल के आईसीयू वार्ड का निरीक्षण के बाद अधिकारियों संग करेंगे सीएम योगी बैठक। जनपद मिर्जापुर में 8वीं कक्षा के छात्र ने किया है कमाल। विंध्याचल में रहने वाले 8वीं कक्षा के छात्र रजत पांडे ने एक ड्रोन बनाया है जो कि टॉयस कैटरी से बिल्कुल मेल खाता है। रजत पांडे ने बताया कि यह ब्रांडेड ड्रोन की तरह ही काम करता है, जो मार्केट में लाख रुपए में मिलते हैं। रजत ने बताया कि अगर इसकी बैटरी कम या ज़्यादा होती है तो यह शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता और इस अवस्था में ड्रोन जहां से उड़ेगा वहीं आकर लैंड हो जाएगा। रजत ने बताया कि यह ड्रोन ट्वाइस की कैटेगरी में नहीं आता है। यह ड्रोन लगभग 700 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और इसकी रेंज 1 किलोमीटर की है। जनपद संभल में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने चंदौसी में ऑक्सीजन प्लांट के लिए विधायक निधि से 20 लाख की धनराशि देने की घोषणा। राज्य मंत्री गुलाब देवी के विधानसभा क्षेत्र चंदौसी में लगेगा। विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट चंदौसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत की जानकारी
सामने आने के बाद राज्य मंत्री गुलाब देवी ने 20 लाख रुपए देने की है घोषणा। काफी मात्रा में लोग अस्वस्थ हुए, संक्रमित हुए, उसमें जिलाधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने जो है यहाँ के लिए हमारे अनुरोध पर यहाँ जो पार्थ हॉस्पिटल है उसमें यहाँ मरीजों की व्यवस्था की है, कोविड संस्थान बनाया है यहाँ पर एक नरौली में है कि कोविड जितने मरीज होंगे वो देखे जाएंगे। उसके लिए मैंने 20 लाख रुपया के हमारे क्षेत्र की जनता के लिए कोई परेशानी ना हो, ऑक्सीजन के माध्यम से वो सारी जनता के लिए राहत मिले, 20 लाख रुपया क्षेत्रीय विकास निधि से मैंने उनको दिया है। और मैं समझती हूँ आगे भी जरूरत पड़ेगी तो जनता के हित के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और उनको जल्दी ही राहत मिले। जनपद बलरामपुर में पूर्व सांसद व हिस्ट्री सीटर रिजवान जहीर के विरुद्ध एनएसए की हुई कार्रवाई। 26 अप्रैल 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद थाना तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम बेली कला में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में, जिसमें थाना तुलसीपुर द्वारा अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्त रिजवान जहीर समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। घटना में शामिल रिजवान जहीर पुत्र स्वर्गीय जहरुल हक निवासी पंचपकड़ी थाना हरैया थाना तुलसीपुर की आगजनी एवं लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने अग्रणी भूमिका रही है। उक्त प्रकरण में दिनांक 27 अप्रैल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त रिजवान जहीर के विरुद्ध लोक प्रशांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 के तहत कार्रवाई की गई है। अभियुक्त रिजान जहीर पुत्र स्वर्गीय रणु जाति, जिसके विरुद्ध हत्या व हत्या का प्रयास, बलवा, शस्त्र अधिनियम तथा एनएसए के तहत पूर्व में कार्रवाई सहित कुल 14 अभियोग पंजीकृत हैं। 26 अप्रैल 2021 को जनपद बलरामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान सक्सल संपूर्ण हुआ। मतदान सक्सल संपूर्ण होने के उपरांत थाना तुलसीपुर के ग्राम बेनी कला में दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया और पूर्व सांसद अभियुक्त रिजवान जहीर समेत 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस घटना में कई वाहन जला दिए गए और एक कांस्टेबल जो इस घटना का वीडियो बना रहा था उसके मोबाइल को छीन करके आग के हवाले कर दिया गया। चौकी इंचार्ज के सर्विस पिस्टल और उसके मोबाइल को छीनने का प्रयास किया गया। यह घटना लोक व्यवस्था को, लोक शांति को डिस्टर्ब करने वाली थी और दहशत से भरी हुई थी। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर महोदया द्वारा पूर्व सांसद अभियुक्त रिजवान जहीर के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि अभियुक्त पूर्व सांसद रिजवान जहीर के विरुद्ध एक दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है जो की जा रही है। जनपद लखीमपुर खीरी में जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ट्रामा सेंटर को कोविड सेंटर बनाने और ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की मांग को लेकर अंबेडकर पार्क में किया धरना। आपको बताते चले कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिले में मात्र एक ही कोविड सेंटर है जहां बढ़ते कोरोना मरीज के इलाज के लिए बेडों की संख्या पर्याप्त नहीं हो पा रही है। वहीं शहर के खीरी कस्बे में ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद ऑक्सीजन लिक्विड नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी लगातार बरकरार है, जिसे शुरू करने के लिए सोशल मीडिया से लेकर सत्ता और विपक्ष के नेता और आम जनता प्रदेश सरकार से जल्द ऑक्सीजन प्लांट और ओएल स्थित ट्रामा सेंटर को कोविड 19 बनाए जाने के लिए मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। देखिए, आज युवा कांग्रेस धरने पे इसलिए बैठे क्योंकि खीरी में ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज़्यादा है।
खेरी में जो ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है उसको चालू करने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन ये शुरू किया है। साथ साथ में हम लोगों ने चार मांगे और रखी हुई हैं। पांच मांगों को लेकर के हम लोग ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। चार मांगे ये हैं कि हम लोग जिला अस्पताल जो कोविड का सेंटर बनाया गया है जक्सड़ में, वो हर तहसील स्तर पर बना होना चाहिए ताकि सुचारू रूप से लोगों का इलाज हो सके कोविड का। और दूसरा ये है कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ओएल में जो ट्रामा सेंटर एक साल से बंद पड़ा हुआ है और चालू स्थिति में है, उसको चालू किया जाए ताकि कोविड के इलाज के लिए वो सेंटर बनाया जाए ताकि लोगों की जान बच सके। जनपद बिजनौर में चाचा भतीजे के डबल मर्डर के बाद पुलिस ने मारने वाले 6 आरोपियों पर रखा 25,000 का इनाम, घर की कुर्की का दिया आदेश। एसपी धर्मवीर सिंह ने रखा आरोपियों पर इनाम। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि आज नगर में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद के माध्यम से प्रत्येक अभियुक्त पर अलग अलग 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित कर दिया जाएगा। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव धौकुरपुर का है। ग्राम धौकुरपुर थाना कोतवाली में 2015 में हत्या के मामले में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त धीर सिंह और अंकुर जो जमानत पर बाहर आ गए थे, इनके विपक्षियों द्वारा कल ताबड़तोड़ फायरिंग करके इनकी हत्या कर दिया था। इन अभियुक्तों को गिरफ्तारी का प्रयास किया गया अभी नहीं हुए हैं। इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो कोई सूचना देगा या गिरफ्तारी में सहयोग करेगा उनको 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इनके कुर्की की भी कार्रवाई अतिशीघ्र कराई जाएगी। जनपद मिर्जापुर में पुलिस द्वारा की जा रही सघन छानबीन से दबाव में आकर अपहरणकर्ता ने अपहृत बालक को उसके घर के पास बाग में छोड़ा। आपको बता दें कि दिनांक 8 को कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम हरियरपुर बदौली निवासी दिलीप कुमार इर्फ मिंटू ने स्थानीय तहरीर दी कि वादी अपनी पत्नी आशा देवी और 2 पुत्रों आयुष के साथ, जिसकी उम्र 4 वर्ष और करीब 2 वर्ष के साथ दूसरा बच्चे को लेकर सोया था। करीब रात 2 बजे में जब नींद खुली तो आयुष वहां नहीं मिला, जिसके संबंध में देहात कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रभारी पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर संबंधित को घटना की गहनता से जाँच का यथाशीघ्र बरामदी के लिए निर्देशित किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के लगातार प्रयास एवं मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी सदर के सतत प्रयोक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात एसओजी स्वाट फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड टीम द्वारा अपहृत बालक की खोज में अथक प्रयास करते हुए पूछताछ एवं पतरासी सरगर्शी जारी की। पुलिस टीम द्वारा लगातार आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों पर बृहद स्तर पर खोज जांच की जा रही थी। पुलिस द्वारा की जा रही जांच व सघन छानबीन के दबाव में आकर अपहरणकर्ता ने बालक आशुतोष को 9 तारीख की रात्रि में उसके घर के पास बाग में छोड़ दिया। अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा दिलीप कुमार उर्फ मिंटू नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पिछले दिनों आपका एक बच्चा चोरी हो गया था। हाँ सर, आज वो बरामद हुआ है। हाँ सर। तो ये बच्चा कैसे मिला आपको? हमारा सर बच्चा मिला है, पुलिस फोर्स इतनी डट लगाई है और क्योंकि उस जासूसी कुत्ता भी गया था, बुलाए थे तो सर लोग ले गए थे, इसी दबाव पे वो छोड़ा बच्चा सर। अच्छा, ये बच्चा कब कैसे आपको मिला? मिला सर 2:30 बजे रात भोर में बगीचे में मिला है। तो कौन बताया आपको कि आपको बच्चा? मतलब कि 2-4 लोग थे, बैठे थे मतलब हमारे खेत के पास, उन्हें आवाज़ सुने, रोने लगा बेटा, तो रोने लगे तो सब लोग दौड़े तो देखा तो मेरे बच्चा था।
आपको किसी पर संदेह था कि बच्चा मेरा कोई उठा ले गया है किसी से दुश्मनी? नहीं सर, अब देखे नहीं है तो कैसे हम बोल सकते हैं। फिर भी आपको क्या लगता था? लगता था किसी से दुश्मनी तो है नहीं मेरा, एक ऊपर शक है, लेकिन बोले हैं सर लोग को बता दिए हैं नाम, बोले हैं कि चलो हम देखते हैं छानबीन करते हैं तो उसके साथ। रात्रि में कोतवाली देहात से एक बच्चा जो कि आयुष था 4 साल का लगभग, वो अपने घर में बाहर लेटा हुआ था, वहाँ से गायब हो गया था। सूचना पर तत्काल ही हमारे पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, हम स्वयं SPCT के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी, स्वाट एवं सर्विलांस टीम और थाना कोतवाली देहात के संयुक्त प्रयास से और पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव से ये बच्चा आज एक बाग में मिला हुआ है। सुबह सुबह बच्चे को बरामद किया गया है और इसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। सर कैसे बरामद हुआ, कहाँ पर बरामद हुआ, क्या कोई पकड़ा गया व्यक्ति है या परिवार का? देखिए कुछ हमारे पास संदिग्ध व्यक्ति थे जिन पर मैंने अपना वाच किया, क्योंकि बच्चे की जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो हम लोग उनको अपने हिसाब से केवल टैकल कर रहे थे और संदिग्ध लोगों के यहाँ तलाशी भी ले रहे थे। इसी क्रम में विवेचना जारी है और इसी दबाव के चलते बच्चे को बाग में छोड़ा गया है। साक्ष्य के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हमारी टीम कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से इसमें जो भी प्रकाश में आएगा उसको उत्तर। अभी तक सर कोई रीजन समझ में आया कि बच्चे का आखिर में अपहरण क्यों हुआ, क्या पैसे का लालच था या पारिवारिक मामला? नहीं देखिए, किसी भी तरह की पैसे की डिमांड नहीं आई थी, ना ही घर इसका ऐसा है कि बहुत पैसे वाला नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जो भी तथ्य है कि कभी कभी किसी के बच्चा नहीं होता है तो ले आते हैं, तमाम कारण हो सकते हैं, फिलहाल सभी कारणों को हम छानबीन में लाएंगे और जल्दी ही खराब रहेंगे। आज जनपद मिर्जापुर के भरुना स्थित बी सिंह मल्टी एकेडमी के प्रांगण में विकास खंड नारायणपुर कोलना निवासी शिव शक्ति संघ के अध्यक्ष व जीडी विज्ञानी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के महामंत्री व नेता लक्ष्मी पटेल ने एक बैठक कर आयोजन में बताया कि उन्होंने सर्वप्रथम जनपद मिर्जापुर के सभी ग्राम प्रधान BDC जिला पंचायत सदस्यों के जीतने पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और सभी को धन्यवाद दिया और आने वाले MLC चुनाव की तैयारी के बारे में बताया कि मेरे चाचा इंजीनियर राजबलि सिंह मिर्जापुर सोनभद्र MLC चुनाव लड़ने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसका देखरेख इस समय मैं देख रहा हूं और जनपद के सभी जीते हुए प्रधान व BDC के साथ सभी क्षेत्र पंचायतों के मेंबरों से मैं प्रतिदिन मुलाकात कर रहा हूं और आगे की रणनीति तैयार कर रहा हूं। उद्देश्य MLC चुनाव लड़ने का है। मेरे चाचा इंजीनियर राजबलि सिंह MLC का चुनाव लड़ेंगे और मैं सर नव निर्वाचित ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, BDC सभासदों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और एक घटना और आप लोगों से बताता हूं, घटना सन 1977 की है। प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार सहकारिता मंत्री थे, कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता वित्त मंत्री थे, माननीय ओम प्रकाश सिंह विधि न्याय और जेल मंत्री थे, एक सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री बना दिए गए। माननीय ओम प्रकाश सिंह को कुर्मी रहने के नाते मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 वोट ज़्यादा होने के बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, इसलिए मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह को लौह पुरुष कहता हूँ। और ज़्यादा मैं बात क्या करूँ, और मैं स्वयं विधान परिषद सदस्य का, मेरे राजबलि इंजीनियर राजबलि सिंह MLC का चुनाव लड़ेंगे मिर्जापुर सोनभद्र से, उनका आप लोग स्वागत करें, अच्छे से स्वागत करें, अच्छा वो जिताने का प्रयास करें, अच्छे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं उन।